रायपुर से खबर आ रही है जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खादी के कपड़े खरीदने पर 25% सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी। आपको बता दें कि खादी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कौशल्या साय के लिए साड़ी खरीदी। वहीं धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार इंद्रदेव खुश दिख रहे हैं, धान का अच्छा उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी को लेकर जल्द ही बैठक होगी। रायपुर से भुलेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आज गांधी जयंती है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और गांधी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले 10 वर्षों से इस देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, और जो आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा पखवाड़ा सफाई का काम करते हैं। और इसमें हमारे शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत से संस्थाएं, एनजीओस, हमारे सफाई कर्मी, हमारी सफाई कर्मी दीदियां, सभी लोग सफाई में लगते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, हजारों इवेंट होते हैं, और बहुत अच्छे से ये 15 दिन ये सफाई का कार्यक्रम चला है। मैं जो भी भाग लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और सबसे आग्रह है कि इस स्वच्छता को अपनी आदत बना लें, सब मिलकर अपने घरों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, गली चौबारों को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबको, इतने सार्वजनिक स्थल है उसको स्वच्छ रखें।